आप लोग ने वीडियो देखा, कुछ इस तरह से जो है इनका शूटिंग किया गया था हीर रांझा का। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इंडियन आइडल का सेट वहाँ पे लगाया गया था, तो ऐसा किस तरह से पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि पहले वीडियो को शूट कर लिया गया, उसके बाद जो होता है ग्रीन स्क्रीन, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ ग्रीन स्क्रीन, जैसे कि मैं इफेक्ट्स हटा देता हूँ, उसके बाद मेरा जो कुछ भी मुझे मन होता है तो मैं वो डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से हुआ था, जो ग्रीन स्क्रीन का यहाँ पे यूज़ किया गया था। जी हाँ गाइज, पहले वीडियो को शूट कर लिया गया था ग्रीन स्क्रीन से, उसके बाद ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट हटा के उसके बाद इंडियन आइडल का कुछ इस तरह से लोगो वगैरह जो कुछ भी है वहाँ पे उस तरह के एनिमेशन वहाँ पे इफेक्ट्स जो है एडिट कर दिया गया था। और जैसे कि आप लोग देख रहे थे, इंडियन आइडल के जजेस जो थे, जैसे विशाल ददरानी, नेहा कक्कर या फिर हिमेश रेशमिया, जिनका डुप्लीकेट किया गया था, ठीक है, तो उनका भी कुछ इसी तरह से जो है बैकग्राउंड जो है चेंज किया गया था। और तभी आप लोग को क्लियरली जो है बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा था, और जो शूटिंग था वो बहुत ही अच्छे से शूट हुआ था, बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल तरीके से शूट किया गया था। जहाँ तक मैं शूटिंग का बात आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट दे के यहाँ पे शूटिंग किया गया था। और एक जो जो सीन था, जो प्रोग्राम वाला, जो परफॉर्मेंस वाला सीन था, परफॉर्मेंस में किस तरह से किया गया था, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है इनको देख रहे थे, ठीक है, रितु रिवा को। जैसे कि एक प्रोग्राम में हीर रांझा रॉक टाइप का जो कर रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत कोई इनको देख रहे थे। तो यहाँ पे इस तरह का कैसे इफेक्ट किया गया, देखिए, जो क्राउड था, क्राउड जो था वो बहुत ही कम मात्रा में था, ठीक है, वही कम मात्रा को एनिमेशन इफेक्ट्स के चलते जो एडिट करके वो ज़्यादा ज़्यादा दिखाया गया है, ठीक है, उसका इफेक्ट से दिखाया गया है ज़्यादा ज़्यादा। तो इसी वजह से आप लोग को वहाँ पे ज़्यादा जो ऑडियंस है वो दिखा दे रहा है। और आप लोग इस वीडियो में भी देखे होंगे कि थोड़ा बहुत लोगों को ही दिखाया जा रहा है कैमरे पे, ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो कैमरा वीडियो ले लिया गया था और इस तरह से इनको जो है बड़ा चढ़ा के मतलब थोड़ा बहुत दिखाया गया है। तो इसी तरह से होता है हर कहीं भी मूवी वगैरह कहीं पे भी अभी ग्रीन स्क्रीन का ही इफेक्ट होता है। और जैसे कि जब अगर क्राउड नहीं रहता है तो क्राउड बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है गाइज। तो यही आप लोग को बताना था, शूटिंग के बारे में बताना था हीर रांझा के बारे में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों।